Hello, everyone. Welcome back to Ansarkari. Today, in the newspaper session, we will be covering the newspaper for 19th of June 2024. First of all, we are talking about the West Bengal train accident, which highlights the need for review of misplaced priorities in the past two decades. So, Silguri. के पास वेस्ट बंगाल में हमने देखा कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ मेजर जिसकी वजह से फोर्टी इंजरीज हुई एंड नाइन फेटिलिटीज हुई तो ये अंडरस्कोर करता है कि प्रॉब्लम जो है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वो कहाँ पे लाया करती है सिर्फ इंडियन रेलवे की बात करते हैं तो सेवन मेजर एक्सीडेंट्स हो चुके हैं 1950 1995 से लेके अभी तक जिसमें एक हजार से ज्यादा लाइव जो है वो जा चुके हैं तो ह्यूमन लॉस लॉस इसके अलावा इकोनॉमिक डायरेक्टली कैसे है हमारे, के है। तो जो इंडियन है, जैसे कि हम बात करते हैं नॉर्दर्न साइड में नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ इंडियन रेलवे हिमालयन रीजन इन कोस्टल प्लेन क्योंकि अलग अलग नेटवर्क अलग टाइप का नेटवर्क हर एरिया में देखा जाता है अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू दी फिजीशन देखा गया है जो टोटल वॉल्यूम है हमारी फ्लाइट की और पैसेंजर ट्रैफिक की दोनों ही डिक्लाइन हो रहा है टू थाउजेंड टेन से लेकर 12 12 के बीच में जो डिक्लाइन है वो

एंड जो मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर की तरह वो रोल प्ले करता है उसको भी इफेक्टिवली कर पाए तो कॉम्पिटेटिवनेस जो है रोड और एयर ट्रांसपोर्ट के साथ जिसमें हमने देखा कि इंक्रीज है बट फ्लाइट और पैसेंजर वॉल्यूम का डिक्रीज देखा हमने इंडियन रेलवेज के अंदर तो रोड और एयर ट्रांसपोर्ट को लोग ऑप्ट करते हैं ओवर द रेलवेज क्योंकि उनको ज्यादा रिलाईबल ज्यादा फास्टर और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव माना जाता है तो ये बड़े डेमोग्राफिक चेंजेस को भी रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों का जो नजरिया है चीजों को लेके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स को लेके उसमें भी ये चेंज दिखाता है कि लोग रोड एंड एयर ट्रांसपोर्ट को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं ओवर दी रेलवेज इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन करना हमें जरूरी है इन दी रेलवेज जिसमें स्पीड को इंक्रीज करने की बात होती है इसके अलावा जो कैग की रिपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है उसमें कुछ चीजें हाईलाइट की गई हैं रिगार्डिंग द इंडियन रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स जिसकी वजह से इतने मेजर एक्सीडेंट्स 1995 से लेके अभी तक हुए जिसमें इनकसिस्टेंट पॉलिसी लैक ऑफ स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन जिसमे रेलवे बोर्ड जो कि हाईस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो कि गवर्न करती है इंडियन रेलवे को उसमें दिखाया गया है कि लैक ऑफ स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन है डायरेक्शन नहीं है कोई भी पॉलिसीज का एब्रप्टली पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं जिसकी वजह से जो अप्रोच है मॉडर्नाइजेशन के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए वो भी कहीं ना कहीं डिस्टरप्ट हो जाती है तो लॉन्ग टर्म प्लान्स का होना जरूरी है इंडियन रेलवे के लिए एंड मॉडर्नाइजेशन में हम जो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें जो कोचेस हैं एंड लोकोमोटिव है उनको जल्दी हम बिल्ड कर पाए या जैसे कल हमने कवच की बात की थी एंटी कोलिजन डिटेक्शन सिस्टम कोलिजन डिटेक्शन सिस्टम जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज को यूज करके डिटेक्ट करेगा इनकमिंग जो भी रेल है उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग उनमें डिक्रीज हुआ है बट फिर भी 1995 से लेके अभी तक ऐसे सेवन मेजर एक्सीडेंट्स हो चुके हैं जिसमें मोर देन वन थाउजेंड ह्यूमन लाइफ लॉस्ट तो बलासोर कोलिजन जैसे कि एक और एक्सीडेंट की यहाँ पे बात हो रही है कि वो भी यही सिग्नल करता है कि कैसे इनएडिक्वेट मेंटेनेंस था इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग थी जिसकी वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेज हमको फेस करने पड़े और भी इसमें जैसे आपने बताया कि ऊपर में कि रेलवे बोर्ड द्वारा बात किया सेकंड की स्पीड जो भी एग्जिस्टिंग स्लो ट्र, स्लो ट्रेन है उसका स्पीड बढ़ना चाहिए एवरेज स्पीड है इट हैज रिमेन फिफ्टी टू फिफ्टी किलोमीटर बोला गया था सेवेंटी फाइव किलोमीटर करेंगे पर आवर लेकिन ऐसा हुआ नहीं बोला जाता है कि आप ऐसा कोचेज बनाएंगे दैट कैन विस्टैंड द स्पीड ऑफ वन थर्टी किलोमीटर पर आवर वन सिक्सटी ऐसा हुआ नहीं उसके बाद होता है कि रेलवे क्रॉसिंग में मैंड होना चाहिए और जो भी एसेट दैट इज बिंग डेवलप रेलवे बोर्ड इट शुड बी लेस uh, फेलियर वहां से फेलियर लेकिन हाई है कॉस्ट ओवर एंड हाई है पंचुअलिटी स्टैगनेट स्पीड इन सेफ्टी ये सब कुछ अलग कंडीशन है कॉस्टली प्रोजेक्ट विथ सीरियस क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल वायबिलिटी कुछ कुछ जगह प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है तो उसके एग्जाम्पल है फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसका होना जरूरी है क्योंकि इट विल क्रिएटेड सर्विस टू द फ्रेट फ्रेडोर फ्रेड ट्रेन पैसेंजर ट्रेन उसी कारण क्या होगा कि जो रूट चेंजेस होता है

नेक्स्ट स्पीकर तो लोकसभा के अंदर बात हो रही है प्रो प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाएगा तो क्या क्या कंडीशन होती हैं कैसे चूज किया जाता है प्रो टेम स्पीकर को तो प्रोटेम स्पीकर मतलब टेम्परेली जब तक हमारे पास कोई स्पीकर uh, नहीं है तो टेम्परेली स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है जिसमें वो होता है कि पहले स्पीकर होता है कोई भी लोकसभा के जब न्यू लोकसभा जब बनता है स्पीकर डज नॉट रिजाइन उसके बाद क्या होता है स्पीकर जब रहते हैं पहले वाले स्पीकर रहते हैं न्यू लोकसभा में भी उनके अंडर में ही एक नया स्पीकर का अपॉइंटमेंट होता है फॉर ए टेम्पररी में सर उसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर उनका रोल क्या होता है कि जो न्यू स्पीकर होंगे न्यू लोकसभा के लिए उसका जो इलेक्शन है उस पर वो प्रोसीड करेंगे तो वो एक मीनिंग होता है सर होता है सीनियर मोस्ट अपॉइंटेड अपॉइंटेड स्पीकर 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 ऑफ 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 थ्री अदर नेक्स्ट इन टर्म दे आर टू असिस्ट उनके बाद उसके बाद उसके फिर ही हाँ, सरकार बनता है वो फिर लिस्ट बनाते है, हैं भेजते हैं मिनिस्ट्री पार्लियामेंट्री अफेयर को प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पीकर

तो उनके रोल होते हैं ओथ को लेकर हाँ ओथ को क्यों क्योंकि पुराने वाले जो स्पीकर है वो तो ओथ नहीं करवाएंगे ना नए वाले जो एमपी जाए और वोट नहीं कर सकते नए स्पीकर को एंटी लैंडलिस दे हैव टेकन द ओथ तो ओथ के लिए और इलेक्शन करने के लिए नए स्पीकर के लिए प्रोटेम बस बनाया जाता है तो टेम्पररी सीनियर मोस्ट दो बस की वर्ड एंड सीनियर मोस्ट एम नेक्स्ट वेयर इज द मॉनसून सो मॉनसून के अराइवल की बात हो रही है ओवर केरला एंड हाउ इट विल बी प्रोग्रेसिंग तो दो ब्रांच होती है केरला में जो मॉनसून आता है वो हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून के थ्रू आता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेवेंटी परसेंट ऑफ द इंडियन एनुअल रेनफॉल एंड ये रेनफॉल भी हम देखते हैं ऑलमोस्ट चार महीनों के अंदर ही हम सेवेंटी परसेंट ऑफ जो रेनफॉल है वो इंडिया रिसीव करता है जो कि जून से लेके सितंबर के बीच में होता है यही रीजन भी होता है कि बहुत सारी जगह पे हम फ्लैश फ्लड्स या फिर लैंडस्लाइड्स देखते हैं क्योंकि इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ रेनफॉल आप बहुत छोटे छोटे टाइम पीरियड के अंदर रिसीव कर रहे हैं जिसमें ये जो साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स होती है मस्करीन हाई से आती हैं सबसे पहले वेस्टर्न घाट वाले रीजन पे आती हैं एंड देन आगे बढ़ती हैं अरावली के पैरेलली And विंध्यान और जो है हमारे उनके देन नॉर्थ इंडियन प्लेन की तरफ बढ़ती हैं एंड दूसरी साइड से बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है जो कि फनलिंग इफेक्ट बनाती है एक ब्रांच उसकी जाती है म्यांमार के अरकन योमा की तरफ एंड एक जाती है हमारी नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ जहाँ पे जो माउंटेन्स है ईस्टर्न हिमालय और पूर्वांचल हिल्स वो बैरियर की तरह एक्ट करते हैं तो वहां पे इसलिए बारिश ज्यादा होती है एंड देन वहीं से डेविएट होके ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच हमारी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की तरफ आती है जहां पे हरियाणा और पंजाब प्लेन्स के ऊपर आके दोनों ब्रांचेस मर्ज करती है इस वजह से उस एरिया में रेनफॉल होती है तो सेवेंटी परसेंट रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून से होती है चार महीनों के अंदर जून से लेके सेप्टेम्बर इसी के साथ वेरी भी करता है कि कितना लेवल ऑफ रेनफॉल जो अलग अलग स्टेट्स है वो रिसीव कर रही है जैसे वेस्टर्न घाट ज्यादा रेनफॉल रिसीव करती है बट उसकी जो लीवर्ड साइड है जहाँ पे रेन शेडो एरिया क्रिएटेड होता है वहां पे इरिगेशन पे आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं फॉर एग्रीकल्चर तो अभी ओवरऑल डेफिसिट देखा जा रहा है रेनफॉल में ऑन दी ऑनसेट ऑफ मॉनसून क्यों हो रहा है डेफिसिट अगर ये क्वेश्चन पूछे तो क्यों हो रहा है डेफिसिट एल इनो कारण और ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज है उससे कारण भी इराटिक रेनफॉल है गर्मी इस समय ज़्यादा गर्मी हो रहा है बारिश होगा तो जल्दी से बारिश हो जाएगा कम समय में ज़्यादा रेन वाटर इट विल बी डिस्चार्ज एंड आईटीसी टी भी बोल रहे हैं कि अभी शिफ्ट हो ही रहा है हम्म सी की बात हो रही है एस डी एस एस वन थ्री थ्री फाइव जो की सिक्स थर्टी मिलियन लाइट ईयरस दूर है और एक लाइट ईयर जो होता है उसका डिस्टेंस ट्रेवल नाइन पॉइंट फाइव ट्रिलियन किलोमीटर्स जो एक साल में कवर करता है उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं hmm. जो लाइट है जितना डिस्टेंस वो एक साल में कवर कर रही है या फिर नाइन पॉइंट फाइव ट्रिलियन किलोमीटर्स तो ब्लैक होल सुपर ब्लैक होल की भी कैटेगरी होती है डिफरेंट डिफरेंट कि कौन सा स्टार जो है वो सुपर मैसिव ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा तो इसमें एक तो एवरेज साइज ऑफ स्टार्स होते हैं और एक मैसिव स्टार होते हैं एवरेज में रेड जाए बन जाता है फिर नेबुला एंड वाइट डॉल्फ बन जाता है बट जो मैसिव स्टार होते हैं वो रेड सुपर जाय में कन्वर्ट होते हैं जिसके बाद सुपरनोवा होता है एंड देन वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार में तो जो रेड सुपर जायट स्टार्स होते हैं जिनका मास जो है ज्यादा होता है सन से वो सुपर मैसिव ब्लैक होल में कन्वर्ट होते हैं एंड जो यहाँ पे बात हो रही है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस तो जो गैलेक्सीज होती हैं जिनके सेंटर पे हमने देखा है ज्यादातर ब्राइटनेस बहुत ज्यादा रहती है एंड जो मास होता है वहीं पे ज्यादा कॉम्पैक्टेड रहता है क्योंकि सुपर मास ब्लैक होल जो है वो ऑलमोस्ट हर गैलेक्सी के सेंटर में प्रेजेंट होता है प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ब्राइट और कॉम्पैक्ट रीजन बन जाता है सेंटर पे उसी को हम एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस बोलते हैं डिस्क जो कि एनर्जी रेडिएट करता है हाई टेम्परेचर पेन नेक्स्ट डिजीजे डिजीज दैट तो रेयर सेंसरी नोवल न्यूरल नोव हियरिंग लॉस वायरल इन्फेक्शन है सेंसोरी न्यूरल स तो सेंसरी न्यूरल डिफरेंस जो है वो क्यों हुई है तो ह्यूमन ईयर की यहाँ पे इन डिटेल बात हो रही है एक्सटर्नल मिडिल और इनर स्ट्रक्चर जो होता है ह्यूमन का जब भी आप कोई साउंड सुनते हैं तो आपका ईयर ड्रम जो होता है या फिर टिम्पेनिक मेम्रेन जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के बीच में वो वाइब्रेट करता है एंड ये जो वाइब्रेशन होती हैं, ये तीन बोन्स को पास बाय करती हैं, दैट इज मैलियस इनकस और स्टेप्स जो कि आपके मिडल ईयर में प्रेजेंट होते हैं ये जो बोन्स होती हैं, ये जो वाइब्रेशन इन्होंने रिसीव की इन साउंड वेव्स को कॉचलिया जो कि फ्लूड फिल्ड चैम्बर होता है आपके इनर ईयर के अंदर उसमें ट्रांसफर करती है जहां पे टाइनी हेयर सेल्स जो है वो लाइन अप होते हैं जिस पार्ट को हम बोलते हैं स्टेरो स्टेरे स्टेरियोसिलिया जो कि वाइब्रेट करता है इन साउंड वेव्स की वजह से तो ये जो हेयर सेल्स होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं इन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में एंड इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आगे ट्रांसफर किया जाता है ब्रेन ब्रेन के पास बाय दी ऑडिटरी नर्व ये ऑडिटरी नर्व जो होती है ये प्रेजेंट होती है इनर ईयर से लेके ब्रेन के बीच में तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो होता है वो इनर ईयर के डैमेज होने की वजह से होता है और ऑडिटरी नर्व जो है जब वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाती और इन साउंड वेव्स जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था उसको ट्रांसफर नहीं कर पाती टू तो दी ब्रेन जिसकी वजह से डेफनेस होती है नमनेस होती है और जो इनर ईयर है वो भी डैमेज हो जाता है वो डैमेज हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट चीजों की वजह से जैसे यहाँ पे फ्लू सीजन की भी बात हो रही है जिसकी वजह से हियरिंग हियरिंग लॉस जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है या फिर हेड इंजरी आपको कोई हो गई या बहुत लाउड साउंड से आपका एक्सपोजर हो गया लंबे टाइम तक उसकी वजह से भी इनर ईयर में डैमेज हो सकता है एंड सिचुएशन और भी ज्यादा वर्सन हो जाती है क्योंकि जो स्टेम सेल होते हैं हमारे ईयर के अंदर वो क्विकली रिपेयर नहीं कर पाते तो ये जो टाइनी हेयर सेल्स प्रेजेंट थे हमारे स्टेरो स्टेरो Celia के अंदर जो कि साउंड वेव्स को आगे पास ऑन करते हैं वो खुद से अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाते तो फ्लू हेड इंजरी या फिर लाउड साउंड से एक्सपोजर इनकी वजह से ये डेफनेस हो सकती है इंपेरेटिव एंड एनवायरमेंट कंसर्न इन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट तो यहाँ पे बात हो रही है जो भी हमारा प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है सेवेंटी टू थाउजेंड करोड़ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए ग्रेट निकोबार के अंदर ऑपोजिशन पार्टी जो है वो बेसिकली उसको अपोज कर रही है क्योंकि जो एरिया है वहाँ पे इंडिजिनियस लोग रहते हैं ट्राइब्स रहती हैं एंड इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है ग्रेट निकोबार की बात भी करते हैं तो यहाँ पे जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है इसमें आठ सौ से ज्यादा आइलैंड्स लोकेटेड है ईस्टर्न साइड पे है बे ऑफ बंगाल के और टेन डिग्री चैनल जो है वो दो ग्रुप ऑफ निकोबार्स को बेसिकली डिवाइड करता है क्लाइमेट की ट्राइब्स की यहाँ पे बात करते हैं तो निकोबारीस या फिर शॉपमेन शॉम्पेन जो है ऐसे ट्राइब ट्राइब्स यहाँ पे फेमस हैं इसके अलावा नीति आयोग ने भी यहाँ पे रिपोर्ट दी थी हमको रिगार्डिंग दी ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट तो यहाँ पे फिजिबिलिटी की बात की गई थी कि ये जो अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है और जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इस आइलैंड की उसकी फिजिबिलिटी कितनी हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे साउदर्न एंड जो है अंडमान निकोबार आइलैंड का वहां पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा जहाँ पे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा इसके अलावा गैस और सोलर बेस्ड पावर प्लांट बनाया जाएगा तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये ऑलमोस्ट सिक्सटीन थाउजेंड से भी ज्यादा के अंदर पूरा फैलेगा तो जो पोर्ट है उसको कंट्रोल करेगी इंडियन नेवी और जो एयरपोर्ट है वो डुअल मिलिट्री मिलिट्री और सिविलियन फंक्शन सिविलियन चीजों के लिए फंक्शन करेगा एंड टूरिज्म जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वहां पे उसको भी इंक्रीज करेगा तो इकोनॉमिक रीजंस तो है ही बट यहाँ पे कंसर्न्स ये उठते हैं कि जो इकोसिस्टम है वहाँ का जो फ्रेजाइल है और जो ट्राइब्स वो किस तरीके से इम्पैक्ट होंगे लेदर बैक टोटल्स हैं उनका क्या होगा और इंडिजिनियस पीपल है पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं हंटर और गैदरर्स हैं तो वो डायरेक्टली इम्पेक्ट होंगे तो वायलेट करेगा ट्राइबल राइट्स को वो इम्पोर्टेंट कंसर्न आता है और सिस्मिक कंसर्न्स भी आते हैं क्योंकि ये जो पूरा जोन है सिस्मिकली भी एक्टिव है तो एनजीटी का इंटरवेंशन यहाँ पे देखा गया था 2023 के अंदर जहां पे एनजीटी ने बेसिकली डिक्लाइन कर दिया था इंटरफेयर करने के लिए इन्वायरमेंटल और फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के लिए तो ऑर्डर किया था कि एक हाई पावर कमेटी बैठनी चाहिए ताकि जितने भी क्लियरेंसेस हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेके उनको रिव्यू कर पाए तो इसमें अगर बोला जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा तो आईसीटीटी जैसे सिंगापुर ने अपने जो यहाँ पर सिंगापुर है नीचे में उत्तर में दिखा यहाँ पर तो वो अपने आप को क्या डेवलप किया है वैसे ही कर सकते हैं पोर्ट ब्लेयर और इंडोबेज निकोबार को आईसी so, हो गया दूसरा ग्रीनफील्ड सिटी कार्गो ट्रांसिप्टमेंट और एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है कि आप पूरे पूरे मलाका स्टेट को आप कैप्चर कर सकते हैं आप इंटेलिजेंस सर्वेलेंस कर सकते हैं उस जगह पर जेटीज एयरफील्ड बिल्ड कर सकते हैं स्टोरेज फैसिलिटी बिल्ड कर सकते हैं इट कैन क्रिएट स्ट्रॉन्ग मिलिट्री दैट रीजन टूरिज्म और टाइम को भी प्रमोट कर सकते हैं तो इतने सारे चीज़ को करने के लिए इसमें बात किया गया कि डिटेल प्रोजेक्ट रिव्यू जो किया गया है इट इज़ इंक्लूडिंग ई और नॉट क्या ई के अंदर में बाईपास किया गया फिर बाकी एलेज किया गया कि ट्राइबल काउंसिल ऑफ ग्रेट निकोबार एंड लिटिल निकोबार आईलैंड है उनसे कंसल्ट नहीं किया गया एन ओ सी लिया नहीं गया तो एक पूछा अपार्ट फ्रॉम वॉट एक्सप्लेन नेक्स्ट जीनोम रिवील्स द लेगेसीज ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड मेडिवल एपिडेमिक्स तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो बरियल प्रैक्टिसेस पहले लोग प्रैक्टिस करते थे थ्रू आउट द मॉडर्न हिस्ट्री वो कैसे हमें कल्चरल स्पिरिचुअल और सोशल बिलीव्स के बारे में भी बताते हैं तो बायो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जिनको कलेक्ट किया गया एंड इन्वेस्टिगेट किया 64 एडल्ट की वहां पे स्टडी की गई एंड उनको कंपेयर किया मायन ओरिजिन के साथ तो फाइंडिंग्स में हमें ये मिला कि एक सेकंड पहले बात है जीनोम को यूज क्यों कर रहे हैं जीनोम है क्या जीनोम वहाँ डीएनए का जो सिक्वेंसिंग हो गया ए टी सी जी ए टी सी जी अगर वो पूरा पेयर को आप करें तो जीनोम सिक्वेंसिंग हो गया उसको यूज कर सकते हैं टू क्रिएट आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन सर्टेन ट्रेट्स दैट आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ओवर दैट पीरियड ऑफ इवोल्यूशन तो इसमें जो ह्यूमन जो स्केलेटन होंगे उनके अंदर में कुछ ना कुछ जेनेटिक चेंज होगा ड्यू टू द मलेरियल पैरासाइट एमपॉक्स वायरस और एक्स और अदर डिजीजेस और भी जो लोग आसपास में होंगे जो स्केलेटल ब्यूरल के अंदर में होंगे उनका भी कंपेरिजन किया जा सकता है उसके बेसिस पर फिर बताया उसको ऐसा एसेस किया जा सकता है बताया जा सकता है कि कुछ उस समय प्रॉब्लम होगा विथ रिस्पेक्ट डिजीजेस या फिर कैसे डेथ हुआ होगा तो आई थिंक इसी कारण जीनो जीनो इम्पोर्टेंट है

जीनोम सिक्वेंसिंग कोई मायान के लिए यूज़ किया जा रहा है तो हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं हरप्पन जो प्रेजेंट डे पॉपुलेशन है उस रीजन में इन रीजन ऑफ सिंध राजस्थान एक्सेट्रा और जो हरप्पन में स्केलेटिल मिले, मिले हैं फॉर एग्जाम्पल राखी गढ़ी मिले हैं मोहन जोडो मिले हैं शुरुआ टूडे मिले हैं हर जगह वहाँ से अब उसको जोड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि जो डिजीज आज प्रेवलेंट है उस समय था कि नहीं जो आज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है इंडिया में मिलते हैं उस समय एनिमल्स डिफरेंट थे कि नहीं थे तो द स्टडी कैन बी अप्लाइड ऑन देम और जो मायान सिटी है एंशिएंट वो मॉडर्न डे मेक्सिको के साइड में लोकेटेड थी तो आर्किटेक्चर और सेरिमोनियल टेंपल्स के लिए इम्पोर्टेंट थी सो वाई क्लाउड्स गो ग्रे बिफोर द रेन स्कैटर्ड वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है वो रीजन होती है जब सन शाइन करता है क्लाउड्स के ऊपर तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो प्रिज्म की तरह बेसिकली एक्ट करती है जिसकी वजह से व्हाइट लाइट जो होती है वो स्प्लिट हो जाती है जो वेब ग्य होता है हमारा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जो कलर लाइट होती है उसको दूसरे अलग अलग डायरेक्शंस में भेजती है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर एंड रिकम्बाइन करती है क्योंकि बहुत सारी ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट है क्लाउड के अंदर इसी रीजन की वजह से जो स्कैटरिंग होती है लाइट की प्रेजम लाइट इफेक्ट होता है उसी की वजह से व्हाइट लाइट क्रिएट होती है और जो क्लाउड है हमें व्हाइट दिखते हैं बट जब रेन होने वाली होती है तो हम देखते हैं कि जो क्लाउड्स की कैपेसिटी है वो अपने एक्सीडिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रही होती है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो स्वॉलन हो जाती हैं जिसकी वजह से बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ये ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाती हैं एंड ट्रांसमिट कम करती हैं लाइट को जिसकी वजह से जो व्हाइट कलर है वो कम होता जाता है क्लाउड्स का और जो ग्रेष कलर है वो बढ़ता जाता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स डस्ट पार्टिकल्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं लाइट स्कैटरिंग के लिए नेक्स्ट डाइव एन वन पोज अ थ्रेट फॉर ह्यूम तो एच फाइव एन वन इंफ्लुएंजा एसू क्रिएट करता है हमारे बर्ड्स के अंदर मैमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है एच फाइव एन वन ह्यूम को भी जो कि इन इन्फेक्टेड बर्ड्स के साथ एक्सपोजर में आए हैं एंड 1996 1996 से 1996 से ही हमने देखा कि एच फाइव एनमन जो है मास किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था बर्ड्स में भी और फॉवल्स में भी बट जो वायरस है इट लैक्स चेंजेस जिसकी वजह से अडाप्टन जो है इसको लेके या म्यूटेशन जो है उसका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है तो रिस्क जो है ह्यूमन हेल्थ को लेके इसीलिए कम माना जाता है क्योंकि अडाप्टे इतनी जल्दी नहीं कर रहा है या म्यूटेट इतनी जल्दी नहीं कर रहा है तो नेसेसरी प्रिकॉशन इसमें हमें यही लेने की जरूरत है कि एक्सपोजर जो है अनप्रोटेक्टेड वो ऐसे इन्फेक्टेड बर्ड्स या एनिमल्स के साथ हम अवॉइड करें केरला में जैसे इनिशिएटिव भी लिया गया वन हेल्थ जहां पे इस प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से एड भी ली गई जिसमें वर्ल्ड बैंक ने भी एड किया रीबिल्ड केरला प्रोजेक्ट के अंदर जिसमें चार डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने हम बोल सकते हैं कि कंसिडर किया था इडोकी कोटयम एंड दो और जिसमें कोलैबोरेशन हुआ अलग अलग सेक्टर में हेल्थ प्रोडक्टिविटी और कंजर्वेशन को बढ़ाने के लिए ताकि जो लाइफ स्टॉक वाला पोल्ट्री सेक्टर है उसमें हम बेसिकली फैलने से बचा सकें नेक्स्ट हाउ कैन हिमाचल प्रदेश फाइट अगेंस्ट दायर्स में कि जो नाइन पर लेकर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में हिमाचल प्रदेश ने नाइन हंड्रेड हेक्टेयर से भी ज्यादा ट्री कवर अपना होया है फ्रॉम दायर्स फ्रॉम दायर्स ओनली तो फॉरेस्ट फायर इंडिया के अंदर थर्टी सिक्स परसेंट ऑफ जो इंडिया ओवरऑल इंडिया का फॉरेस्ट कवर है वो प्रोन है टू फ्रीक्वेंट फायर जिसमें से चार परसेंट एक्सट्रीमली प्रोन है एंड सिक्स वेरी हाईली फायर प्रोन है एरियाज में आ फॉरेस्ट फायरस के लिए नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में इसके अलावा जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है उत्तराखंड देन हिमाचल प्रदेश नीचे आते हैं तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र उड़ीसा तेलंगाना फैक्टर्स की की से से ज़्यादा जो हमारी forest fires होती होती हैं, हैं, वो या तो चीजों की से होती हैं, या तो चीजों वजह फिर firewood burning हो रहा है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जिसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसकी वजह से होता है तो प्री मॉनसून का जो टाइम होता है जिस टाइम पे मॉइस्चर हम देखते हैं कि कम होता है और स्नो मेल्ट जो होती है ऐसे एरियाज एरियाज में में नॉर्थ वेस्टर्न भी भी वो भी डिप्लीट कर रही होती है। होती है है क्योंकि रेनफॉल पे कम प्री मानसून सीजन के अंदर और लेस मॉइस्चर होता है इसी वजह से जो फायर होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसको ड्राई फॉटर इतना मिलता है जैसे चिर और पाइन ट्रीज जो होते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर वो और भी ज्यादा बढ़ाने में काम करते हैं फिर फायर को तो रिकमेंडेशन जैसे यहाँ पे दी गई है कि लोकल कम्युनिटीज को इंक्लूड करना चाहिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स जो है फ्यूल टिम्बर और फॉर्डर एक्सट्रैक्शन को लेके उनको रिस्टोर करना चाहिए ताकि लोकल कम्युनिटीज भी और स्ट्रेंथन हो पाए पाइन ट्रीज का डोमिनेंस जो है तो मिक्सड फॉरेस्ट्री को बढ़ाना चाहिए हिमाचल प्रदेश जैसे एरियाज के अंदर चेक डैम्स बनाने चाहिए वाटर स्प्रिंग्स का रिवाइवल होना चाहिए या फिर वाटर पॉट होल्स कि भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं जैसे ये है 16 भाती के अंदर हमने देखा था तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी जरूरी हो जाता है ऐसे डिजास्टर मिटिगेशन के लिए एंड विलेज लेवल पे एनवायरमेंटल सर्विसेज का एस्टैब्लिश होना ताकि फि फाइनेंशियली भी वो वायबल हो पाए लोकल कम्युनिटीज के लिए हम्म अच्छा था दो तीन इंपॉर्टेंट Hmm. इसमें और भी कर सकते हैं कि जो, जो रेजिन होता है पाइन के जो सैपलिंग होते हैं और फिर उसके जो फ्रूट होते हैं जो निकलते हैं इट कैन बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस तो उसे कम से कम इट कैन बी वो सोर्स नहीं रह पाएंगे फॉरेस्ट फायर का फिर hmm. हो

तो ग्लोबल इकोनॉमिक डी कपलिंग यहाँ पे बात हो रही है लेटेस्ट चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की उनके ऊपर टैरिफ की तो यूएस जो है वो इम्पोर्ट करता है ईवीज फ्रॉम चाइना एंड उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो जो टैरिफ्स है उनको बेसिकली वापस लगाएंगे हम्म ओवरऑल डीकपलिंग डीकपलिंग बात मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग existing... आप जो ट्रेड करते हो कंट्री के साथ वो धीरे धीरे यू आर रेड्यूसिंग यू आर बिकमिंग आत्मनिर्भर या फिर आप चेंज करो पैटर्न ऑफ ट्रेडिंग तो डीक फॉर एग्जाम्पल चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी हो गया कि आप चेंज करो फोकसिंग मच ऑन चाइना यू आर इन्वेस्टिंग अदर कंट्रीज ऑल्सो डी कपलिंग हो गया एग्जाम्पल कॉस्ट क्या है उसका कॉस्ट ये हुआ कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो अगर बढ़ते रहता है तो देयर टैरिफ वॉर बिटवीन द कंट्री यू और चाइना के बीच में दूसरा कि अचानक से आप यू कैन नॉट क्रिएट अ मैन्युफैक्चरिंग बेस इन अदर कंट्रीज वियतनाम हो गया तो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट कॉस्ट ऑफ़ रॉ मटेरियल इंक्रीज विच इज सीन इन द सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री तो उसके के लिए भी किया जा रहा है कुछ फोर अलायंस था पढ़े थे ताइवान साउथ कोरिया यू जापान दे आर टॉकिंग अबाउट भी आपका जो रहता है कि देना ट्रेड कम होना ट्रेड बढ़ना चाहिए टैरिफ कम होना चाहिए वो आप नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा लास्ट में कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर सेंट्रिक जो पॉलिसी होना चाहिए वो इम्पैक्ट करेगा तो डी कब्लिंग

दैट इज क्रिएटिंग रिस्की सिचुएशन जो अगेन ग्लोबल लेवल पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जैसे बोला कि, impact, uh, security, हो सकते हैं, uh, तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है तो इसको एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन टू पॉइंट ओ भी बोल सकते हैं एंड इसके काउंटर हम बात करते हैं रीग्लोबलाइजेशन की उसके क्या फिर डिफरेंट ट्रेड्स हो सकते हैं hmm. तो इसमें वही एक काउंटर तो स्टेटमेंट है कि हाई कॉस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक तो इसमें मैं लास्ट में ये बोलूंगा कि डीकपलिंग करना इंपॉर्टेंट है, है क्योंकि आप सोलली डिपेंडेंट यू कैन नॉट बिकम डिपेंडेंट ओनली ऑन चाइना ऑन वेरियस अदर इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल सेमी कंडक्टर रेयर अर्थ मेटर एक्सेट्रा तो यू हैव टू डीक बट इन लॉन्गर और भी कंट्रीज होना चाहिए इन डाइवर्सिफिकेशन मॉडल कि आप आपका जो हेजिंग है आपका जो रिस्क है वो हैज रहे हर एक कंट्री के अंदर में जैसे so, यूएस कर रहे हैं वैसे इंडिया भी कर रहे हैं आठ महीने प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप एशियन कंट्री सा भी आप बात कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी आप इंक्लूड कर रहे हैं कि मोर एंड मोर आप कर रहे हैं फिर आप अर्जेंटीना के अंदर भी जा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए काबिल के थ्रू कि वहाँ से भी

आप सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप सामने वाला टैरिफ यूज कर रहा है फॉर एग्जाम्पल यूएस चाइना के बीच में ये आपका इंटेंशन ऐसा है कि आप मिरर बन जाए दोनों का इंटेंशन डिफरेंट है इसमें इंडिया और का और यूरोपियन कंट्री और चाइना और यूएस का तो ये नेक्स्ट सो वी हैव कंप्लीटेड फॉर टुडे थैंक यू सो मच एवरीवन जॉइनिंग Keep learning and keep watching Ansar Kari.